भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े सभी साथियों का एवं हमारे AICTE टीम से जितने भी हमारे ट्रेनर फैसिलिटेटर जुड़े हुए हैं, UHV टीम के जो ट्रेनर और फैसिलिटेटर जुड़े हुए हैं, सभी को नमस्कार और सभी का इस कार्यशाला में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा अभी राजुल भैया बता रहे थे, यह UHV के साथ में हम लोगों का चौथा शिविर चल रहा है, जिसको हम लोग आनंद शिविर का नाम दे रहे हैं। और आप लोगों के साथ इस शिविर का विशेष प्रयोजन है। आप में से अधिकांश लोग, मैं समझता हूं, पहली बार ज्वाइन करे हैं। तो यह शिविर क्या है, इसके बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि इसको आप लोग अभी आगामी आने वाले दिनों में अनुभव करने वाले हैं। लेकिन इस शिविर क्यों जरूरी है और क्यों इन शिविरों की श्रृंखला चल रही है, इस पर मैं थोड़ी सी बात जरूर रखना चाहूंगा। लेकिन अगर आपको इस शिविर का पूरा लाभ लेना है, तो मेरा आपसे एक अनुरोध है कि पूरा समय कार्यक्रम के अनुसार इस शिविर के लिए निकालिए। ऑफलाइन कार्यक्रम में, ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम में, क्योंकि हम लोग पूरी तरीके से क्लास वहां हॉल में रहते हैं, इसलिए दिक्कत नहीं जाती है। लेकिन ऑनलाइन में कई बार हम अपने काम भी करते रहते हैं, तो दो जगह ध्यान बटने से फिर हमारा हमारा ध्यान अपनी विषय वस्तु पर पूरी तरीके से नहीं रह पाता है। तो आप सभी से अनुरोध, पहला अनुरोध तो यही है कि पूरा समय निकाल करके 5 दिवस इस कार्यशाला में भाग लेने का प्रयास करें। कोई बहुत जरूरी कार्य आ जाता है तो फिर उसके लिए तो कोई उपाय है नहीं। और अगर आप पूरी तरीके से 5 दिवस इस कार्यशाला के लिए, शिविर के लिए दे पाते हैं, तो मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोगों का रिश्तों को समझने का नजरिया, प्रकृति को देखने का नजरिया, सभी में बदलाव शुरू हो जाएगा। और ऐसा मैं पढ़ी हुई बात नहीं कह रहा हूं, यह मैं अपने अनुभव के आधार पर भी कह रहा हूं, जो मैंने स्वयं अनुभव किया है और हमारे बहुत सारे साथियों के जो मैंने अनुभव सुने हैं, उसके आधार पर कह रहा हूं। और आप देखेंगे कि समस्या वास्तव में कहाँ हो रही है। हम लोगों में से अधिकांश लोग सामान्यतः सामने वाले को सुधारते रहते हैं और सामने वाला हमें सुधारता रहता है, और अंत में नतीजा आप खुद कल्पना कर सकते हैं कि कोई नहीं सुधरता है, और संबंध जो सुधरने चाहिए वो और बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सभी लोगों का, दोनों लोगों का प्रयास गलत जगह पर लग रहा था। एक बात और आप इस कार्यशाला से समझ पाएंगे, जो खासकर पहली बार ज्वाइन हुए हैं, कि हम लोग लगातार आनंदित क्यों नहीं रह पाते हैं। और आप देखेंगे कि मुख्य बात इतनी रहती है कि हम वहां पर काम ही नहीं करते हैं जहां पर हमें लगातार आनंदित रहने के लिए कार्य करने की जरूरत रहती है। और कार्यशाला के बाद आप सोचेंगे कि अरे, ये तो बड़ी साधारण सी बात थी, मेरी समझ में क्यों नहीं आई इतने पहले। लेकिन यहां पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि बात बहुत साधारण है, लेकिन उसके अभ्यास में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि हमारी धारणाएं, हमारे विचार, हमारे संस्कार, हमारी मान्यताएं बार बार बीच में खड़ी हो जाती हैं, आड़े आ जाती हैं,
और जब तक हम इन सब के परे नहीं जा पाते हैं, इन सब से दूर जब तक हम अपनी सहज स्वीकृति को नहीं देख पाते हैं, तब तक वास्तव में सुधार संभव नहीं हो पाता है। इस 5 दिन की कार्यशाला के दौरान हम देख पाएंगे कि किस तरीके से हम अपनी सहज स्वीकृत के आधार पर निर्णय ले पाए। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि आप इस कार्यशाला के अंत में देखेंगे कि यह कार्यक्रम आपके जीवन को एक नई दिशा दे देता है, आपके जीवन को एक नया मकसद दे देता है। मैं पंजीयन देख रहा था, जो करीब 450 लोगों का पंजीयन हुआ था, विशेष रूप से यह कार्यशाला शिक्षा विभाग के लोगों के लिए ही रखी रही गई थी, और मैं देख रहा था कि अधिकांश लोग शिक्षा विभाग से ही जुड़े हुए हैं। और यहां पर मैं देखता हूं कि शिक्षकों की भूमिका समाज के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि शिक्षक जो हमारे भावी नागरिक हैं, उनको जीवन जीने की कला सिखाने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम आज की शिक्षा को देखें तो उसमें जीवन मूल्यों की कहीं बात नहीं हो रही है। हम छात्रों को एक परिपूर्ण जीवन जीने की कला नहीं सिखा रहे हैं। थोड़ा बहुत प्रयास पाठ्येतर गतिविधियों, एक्स्ट्रा करिकुलर गतिविधियों के माध्यम से हो रहा है, लेकिन वो शायद पर्याप्त नहीं है। और इसीलिए आप लोगों में से कुछ साथियों को शायद जानकारी होगी कि शिक्षा विभाग UHV के साथ मिलकर, राज आनंद संस्थान, हम तीनों संस्थाएं मिलकर के, AICTE के साथ मिलकर के कक्षा 9 से 12 के लिए एक पाठ्यक्रम विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं, जो लगभग अंतिम चरण में है, और उम्मीद है कि शायद अगले शैक्षणिक सत्र से उस पाठ्यक्रम को लागू किया जा सके। और आप लोगों की भूमिका यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है कि इस पाठ्यक्रम को आखिर बच्चों तक ले जाने का कार्य तो आप लोगों को ही करना। और यह पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है जिसको पढ़ करके पढ़ाया जा सके, यह पाठ्यक्रम ऐसा है जिसको हमें, यानी कि शिक्षकों को, पेरेंट्स को, समाज के लोगों को अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। क्योंकि जब हम स्वयं आनंदित जीवन नहीं जी पा रहे हैं तो हम बच्चों को कैसे रास्ता दिखा सकते हैं। जरूरी है कि हम बच्चों को यह समझा पाए कि जीवन जीने की कला सामंजस्य में है, विरोध में या कंपटीशन में नहीं है। जब तक हम स्वयं के साथ, परिवार के साथ, समाज के साथ, प्रकृति के साथ सामंजस्य में नहीं होंगे, हम लगातार आनंदित नहीं रह सकते। मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम से हम कैसे लगातार आनंदित रह सकें, इस पर हमारी समझ विकसित रहे हो पाएगी। और हमारी यह भी जो गलत धारणा है कि सामने वाला तो ऐसा ही है, वो तो कभी सुधर नहीं सकता, उस पर भी हमारी समझ बढ़ेगी कि वास्तव में सामने वाला भी आनंदित रहना चाहता है, बस उसकी समझ विकसित नहीं हो पाई है, उसका पोटेंशियल अभी पूरी तरीके से रियलाइज नहीं हो पाया है, इसी कारण से वह इस तरह का व्यवहार कर रहा है। और आप देखेंगे, मैंने स्वयं अनुभव किया है कि जब यह बात हमारी समझ में आती है तो हमारा सामने वाले के प्रति विरोध खत्म हो जाता है, हमारा गुस्सा खत्म हो जाता है,
और हमारे अंदर उसके प्रति एक संबंध का भाव, एक प्रेम का भाव पैदा हो जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपने व्यस्त कार्यक्रम में से इसके लिए समय निकाल पाएंगे पूरी तरीके से। आप लोगों में से कुछ लोगों की शंकाएं थी, कल मैं सुन रहा था सत्या जी के साथ में कि आप लोगों को इस कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए आदेश चाहिए होगा। वह आदेश संस्थान की तरफ से आज सभी शिक्षा विभाग और जिला कलेक्टरों को भेज दिया जाएगा, जिससे कि कुछ लोगों को भेजा जा चुका है जिनकी हमें पंजीयन पहले प्राप्त हो गए थे, बाकी का भेज दिया जाएगा आज, जिससे कि आप पूरी तरीके से इस कार्यक्रम के लिए समय दे पाए। और यह एक जो समाज को बदलाव लाने का एक जो बृहत कार्यक्रम शुरू होने वाला है, उसमें आपकी जो महत्वपूर्ण भागीदारी है, आप उसको निभा सकें। और मैं अंत में UHP टीम का, AICTE टीम का, शिक्षा विभाग का आभारी हूँ कि वे लगातार इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं और बड़ी तीव्र गति से प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि अगले शैक्षणिक सत्र से इस कार्यक्रम को कम से कम कक्षा 9 से 12वीं के लिए लागू किया जा सके। यद्यपि जो प्लान है शिक्षा विभाग का, वह तो प्री स्कूल से लेकर के और पूरे 12th तक लागू करने का है। मैं एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह कार्यक्रम निश्चित रूप से आप सभी लोगों को पसंद आएगा और आपको लगातार आनंदित रहने के लिए एक मार्गदर्शन देगा, एक पथ प्रदर्शन का काम करेगा। धन्यवाद।